Good morning students, welcome. So students, today we are going to start with the topic reproductive health. And in the last part, we covered the portion hormones other than the sex hormones. And in that part, we read about many glands which secretes the hormone. And we also read about the functions that such hormones perform which type of functions and the diseases which can be caused due to the improper secretions of such hormones. And this part we had

टू कीप द बॉडी हेल्थी एवरी ह्यूमन बींग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट हेल्दी अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हर एक पर्सन को चाहे वो छोटा हो बड़ा हो या बूढ़ा हो नीड्स चाहे आप चाइल्ड हो एडल्ट हो और आपकी ओल, एज क्या है ओल्ड है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बॉडी को फिट रखने के लिए हेल्दी रखने के लिए बैलेंस डाइट आपकी जो खाना है आपकी जो मील्स हैं प्रॉपर होनी चाहिए बैलेंस्ड होनी चाहिए बैलेंस डाइट क्या होती है ऑल दो अपने लास्ट क्लासेस में पढ़े हुए हैं स्टिल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज अपार्ट फ्रॉम दिस अपार्ट फ्रॉम टेकिंग बैलेंस्ड डाइट इन योर फूड इन योर मील्स द पर्सन मस्ट टेक पर्सनल हाइजीन मीन्स अपने आप को क्लीन रखना चाहिए टेक रेगुलर बाथ कम से कम दिन में एक टाइम तो बाथ लेना चाहिए आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का साफ सफाई का ध्यान रखना है सबसे पहली बात फॉर बींग हेल्दी एंड फिजिकल एक्सरसाइज भी आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम करनी चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज में इंक्लूड प्लेइंग गेम्स आउटडोर्स एंड इट कैन ऑल्सो इंक्लूड योगा और डांस सो मैनी टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज आर देर नेक्स्ट पैराग्राफ ड्यूरिंग एडोलेसेंस however these become बिकम इवन मोर as एज द बॉडी इज ग्रोइंग बट ये जो एडोलेसन का टाइम पीरियड होता है मीन्स जो टीन होता है हमारा जो टीन चल रहा होता है आप जो हो आप एक एडोलेसेंट हो तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है इस टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रॉपर बैलेंस डाइट टेकिंग फिजिकल एक्सरसाइज ये सब कुछ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइम पे आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ऑब्जर्व कर पाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम एज काफ़ी सारे जो एक्टिविटीज हैं ऑल टुगेदर आपकी बॉडी में परफॉर्म हो रही होती हैं और काफ़ी ज्यादा फंक्शंस हो रहे होते हैं तो इस टाइम पर इन सब चीज़ों का ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है सो नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट क्या क्या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में बींग एन एडोलेसेंट एडोलेसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो एडोलेसेंस क्या है ये एक ऐसी स्टेज है ह्यूमन लाइफ में एडोलेसेंस ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमारी बॉडी रैपिडली ग्रो करती है बेसिकली ये जो टाइम पीरियड होता है आपका जो आपकी जो एज चल रही होती है इस एज में आपकी बॉडी रैपिडली ग्रो कर रही होती है तभी तो आपकी जितनी हाइट इंक्रीज होनी होती है एडोलेसेंस के पीरियड जब खत्म हो जाता तब तक आपकी ग्रोथ फुल हो जाती है ओके okay, तो ये रैपिड ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है आपकी बोन्स मसल्स इतनी डेवलप होती हैं सबसे ज़्यादा इस टाइम पीरियड पर ही होती हैं आफ्टर दैट भी होती हैं बोन्स मसल्स तो बट सबसे ज़्यादा इस टाइम पीरियड पर होती हैं द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट तो डाइट कैसी होनी चाहिए किसी भी एडोलेसेंट के लिए हैज़ टू बी केयरफुली प्लान यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट बैलेंस्ड डाइट कैसी होनी चाहिए बैलेंस डाइट होनी चाहिए प्रॉपर आपको ध्यान रखना है कि आप खाने में क्या खा रहे हो क्या नहीं खाना चाहिए सब चीज़ें रिकॉल दैट अ बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन वाइटमिनस इन रिक्विजाइट प्रपोर्शन तो बैलेंस डाइट के बारे में आपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है पहले भी बैलेंस डाइट क्या होती है बैलेंस डाइट वो होती है आपके खाने में जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और वाइटमिन्स रिक्विजाइड प्रपोर्शन में हो अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होता है तो ही वो डाइट कैसी होती है बैलेंस्ड होती है आर इंडियन मील और रोटी राइस दाल मीन्स स्पाइसिस वेजिटेबल्स इज अ बैलेंस्ड मील जो इंडियन डाइट होती है जिसमें कि रोटी सब्जी और राइस दाल ये सब इंक्लूड रहती है ऑलरेडी बैलेंस्ड डाइट रहती है एंड अदर देन दिस मिल्क इज अ बैलेंस्ड फूड इन इट जो हम मिल्क पीते हैं वो खुद में ही एक बैलेंस्ड फूड होता है फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट इन दैट नरिशमेंट दैट दे नीड मिल्क खुद में ही बैलेंस फूड रहता है फ्रूट्स जो हम फल खाते हैं एप्पल ऑरेंज पपाया जितने भी फ्रूट्स होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा नरिशमेंट देते हैं हमारी बॉडी में बॉडी को इन्फेंट्स के लिए जो बेबी बॉर्न होता है इन्फेंट के लिए एक एक डेढ़ साल के बच्चे के लिए जो मदर का मिल्क रहता है वही सारी जो नरिशमेंट होता है बॉडी को प्रोवाइड करता है उस इन्फेंट की उस बेबी की आयरन मिल आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एस लीफी वेजिटेबल्स जागरी मीट सिट्रस इंडियन गोसबारी दर इज आंवला आर गुड फॉर ऑडोलिस आयरन के लिए ये तो हमने ऊपर बात करी प्रोटीन फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स अब लिखा है आयरन आयरन क्या करता है ब्लड को बिल्ड करने में हेल्प करता है खून को बनाने में बिल्ड करने में हेल्प करता है इसलिए बोलते हैं सबसे ज़्यादा आयरन रिच फूड हमें खाना चाहिए आयरन रिच फूड कौन कौन से होते हैं लीफी वेजिटेबल्स जो लीफी वेजिटेबल्स आते हैं जैसे स्पिनच हो गई आयरन रिच होती है जागरी जागरी मीन्स वॉट गुड मीट सिट्रस सिट्रस क्या होते हैं जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं सिट्रस बोला जाता है इंडियन गूस बैरिनि आंवला ये सब आयरन रिच फूड होते हैं जो कि एडलसेंट को कंज्यूम करने चाहिए चेक द आइटम्स फॉर डिनर इन मील आप अपने लंच में डिनर में क्या खाते हो वो आपको देखना चाहिए इज द मील बैलेंस्ड और न्यूट्रिश बैलेंस एंड न्यूट्रीशियस क्या आप जो खाना खाते हो लंच में डिनर में क्या वो बैलेंस डाइट है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स ये सब कुछ इंक्लूड हैं उसमें या नहीं है Does it include cereals which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provide new proteins for growth? क्या आपकी जो डाइट है उसमें मिल्क मीट नट्स सीरियल्स, सीरियल्स क्या होते हैं सीरियल्स जैसे कि वीट राइस मिलेट, बाजरा और मेज़ ये सब जो होते हैं ये सब क्या होते हैं सीरियल्स होते हैं तो क्या आपकी डाइट में ये सब चीज़ें भी इंक्लूड हैं जो कि प्रोटीन आपको प्रोवाइड करिए पल्सेस, दाल प्रोटीन प्रोवाइड करता है ये सब इंक्लूड है या नहीं ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी वॉट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड फैट्स और शुगर होना भी ज़रूरी है आपकी बैलेंस डाइट में ज़्यादा एक्सेस भी नहीं होना चाहिए बट होनी चाहिए इंक्लूड ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सके एनर्जी बिल्डिंग फूड होते हैं प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्टिव इसलिए कहा गया है क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी डिजीज होती हैं जिससे कि हमें इन्फेक्शन या डिजीजेस काफी सारी ऐसी होती हैं जिसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दूर रखते हैं प्रोटेक्ट करते हैं ओके चिप्स एंड स्नैक्स चिप्स एंड पैक्ड और टिंट स्नैक्स दो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डो नॉट हैव एडिकुट न्यूट्रिशन वैल्यू जो चिप्स आती हैं कुरकुरे खाते हैं आप लोग चिप्स खाते हैं अंकल चिप्स और मैनी अदर जो पैक्ड आइटम्स आते हैं टिन में कोल्ड ड्रिंक आती है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में मिलती है स्नैक्स जो पैक रहते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं बंद तो काफ़ी टाइम पहले जाते हैं पर उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि वो कुछ टाइम तक चल पाए वो जो अंदर जो भी मटेरियल डला हुआ है जो भी फूड स्टफ़ डला हुआ है वो खराब नहीं हो तो ये जो है इन सब में क्या डाले जाते हैं प्रिजर्वेटिव उनको सही रखने के लिए वो अपनी जगह ठीक बात है बट ये सारी चीज़ें खा करके हम अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं बिकॉज इसमें कोई भी बैलेंस फूड इंक्लूडेड नहीं रहता अंडरस्टूड सो so, आप जो प्रॉपर मील्स लेते हो वो टाइम टू टाइम लेनी चाहिए उसको आप रिप्लेस ना करें विद दीस स्नैक्स आइटम बिकॉज अभी आप इस जो टाइम पीरियड है एडोलेसेंस आपका इन दैट टाइम Uh, most important thing is to take a balanced diet and snacks, all things you can avoid. Kare, utna better. Okay, let's read activity 10.4. Make a group with your friends. Write down the items of food in your breakfast, lunch, and dinner you had on the previous day. Identify the items responsible for proper growth. Also, identify the junk food that you consumed the previous day. इसमें बोला गया ग्रुप में बैठे अपने फ्रेंड्स के साथ वैसे आप एक सिंगल इंडिविजुअली भी कर सकते हो बस आपको क्या करना है आप अपने आप में ही देखो क्योंकि अभी तो स्कूल वगैरह आ नहीं रहे हैं आप लोग नॉर्मली अपने आप में देखो अपने लास्ट डे पे क्या खाया था ब्रेकफास्ट में क्या खाया लंच में क्या खाया और डिनर में क्या खाया ये सब कुछ आप नोट डाउन करो और आइडेंटिफाई करो ऐसे आपके जो भी आपने खाना खाया उसमें ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो कि हमारी ग्रोथ के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए बेटर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसको आप एक जगह लिख दो ताकि आप को ये सब चीजें पता चले कि इन सब चीजों से मेरी बॉडी अच्छी बिल्ड हो, हो रही है सो नेक्स्ट एक्टिविटी टेन पॉइंट फाइव गेट आइडियाज फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन इन फिगर टेन पॉइंट सिक्स प्रिपेयर चार्ट पोस्टर्स एंड पेज इन क्लास सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द डाइट फॉर एडोलेशन तो ये जो पिक्चर्स आपको दिए हुए हैं नीचे काफी सारे ये लिखा हुआ है अगर आप क्लासरूम में होते अभी आप क्लास आ रहे होते ऑफलाइन क्लासेस आपकी चल रही होती है अगर तो आपको ये क्लास में दिया जाता वो कि आप चार्ट्स बनाइए नोटिस बोर्ड के लिए और आप बनाइए ताकि आप जब भी देखें आपको ये चीज़ पता चल पाए कि ये सारे फूड अच्छे होते हैं डाइट में प्रेजेंट रहने चाहिए खाने के लिए ओके यू मे यूज़ योर क्रिएटिव आइडियाज़ प्रेजेंट इट लाइक एन एडवर्टीजमेंट यू मे इवन ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन ऑन दिस टॉपिक सो ये सब चीज़ें जब हम क्लास में ऑफलाइन क्लास ले रहे होते तब हम करते हैं बट अभी के लिए आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि ये मीट वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड एग्स ये सब चीज़ें ग्रेन्स इंपॉर्टेंट रहती है फॉर अ बैलेंस्ड डाइट ओके नेक्स्ट वी हैव पर्सनल हाइजीन पर्सनल हाइजीन मीन्स खुद में साफ सफाई रखना टाइम टू टाइम ब्रश करना प्रॉपर बाथ लेना ये सब कुछ चीज़ें किस में इंक्लूड रहती हैं पर्सनल हाइजीन अपनी बॉडी की साफ सफाई एवरी वन शुड हैव अ बात एटलीस्ट वंस एवरी डे जैसे मैंने आपको बोला हर एक पर्सन को नहाना चाहिए एक दिन में कम से कम एक बार गर्मियों में तो काफ़ी लोग दो तीन बार भी नहा लेते हैं बट कम से कम एक बार तो पूरे दिन में बात लेना चाहिए इट इज़ मॉर नेसेसरी फॉर टीन एजर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्विटलैंड समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली स्पेशली ऐसा किसके लिए ज़रूरी है टीन एजर्स के लिए ज़रूरी है बिकॉज हमारी बॉडी में जो इंक्रीज एक्टिविटी होती है स्वेट ग्लैंड की जिसकी वजह से हमारे जो ग्लैंड हैं स्वेट क्या होता है स्वेट रिलीज़ करते हैं पसीना रिलीज़ करते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्मेल आने लगती है तो उसके लिए प्रॉपर बात लेना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है ओके ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश एंड क्लिन एवरीडे प्रॉपरली वॉश्ड वेल टेकिंग बाकी आपकी बॉडी की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो सके क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन्ड द चासेस ऑफ कैचिंग इन्फेक्शन इंक्रीजेस अगर क्लिनलीनेस अपनी बॉडी की आप खुद ही नहीं रखोगे तो जो चांसेस हैं आपकी बॉडी को इन्फेक्शन आपको लगने के ये इंक्रीज़ हो सकती है जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ऐसा बोलते हैं अपनी सराउंडिंग में क्लिन ले सकनी चाहिए रोड्स क्लीन होने चाहिए क्योंकि रोड्स क्लीन नहीं होते तो हो सकता काफ़ी ज़्यादा जो मॉस्किटोज़ हैं इंसेक्ट्स हैं उस पर ब्रीड करने लगते हैं जिस वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकता है तो अगर हम सराउंडिंग क्लीन रखना अगर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए अपनी पर्सनल हाइजीन है ख़ुद की साफ़ सफाई रखना उससे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी को नहीं हो टाइम टू टाइम जैसे अभी ये वायरस का जो चल रहा है जिस वजह से स्कूल्स वगैरह आपके बंद हैं तो क्या बोला हुआ है स्पेशली ये बोला है बार बार हैंड वॉश करो जितना हो सके टाइम टू टाइम अपना हैंड वॉश करो बिकॉज आपके हैंड्स क्लीन रहेंगे तो आप कभी नोज़ को टच करते हो कभी अपने माउथ को टच करते हो उससे ही ये जो होते हैं ये आपकी रूट होते हैं जिसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन जा सकते हैं तो तभी आपको बोला गया है बार बार क्लीन रखो ताकि जब आप टच करते हो बाय मिस्टेक अपने नोज को या माउथ को तो वहाँ से बैक्टीरिया एंटर ना हो पाए आपकी बॉडी में इसलिए क्लीनलीनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सारे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अपने आप से दूर रखने के लिए गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो स्पेशल सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है गर्ल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है टू कीप द पर्सनल हाइजीन टू टेक बाथ एवरी टाइम एंड किस टाइम पर मेनली मैंस्टूरेशन के टाइम पे मैंस्टूरेशन वाला टॉपिक हमने लास्ट टू लास्ट पार्ट में कवर करा था पार्ट फोर में मैंस्टोरेशन का टॉपिक पार्ट थर्ड या फोर्थ में कवर कर चुके हैं मैंस्टुरेशन का टॉपिक एंड उस टाइम पे जरूरी होता है कि गर्ल्स अपनी बॉडी की प्रॉपर टाइम टू टाइम क्लीनिनेस रखें दे शुड कीप ट्रैक ऑफ दे मैंस्ट्रल साइकिल एंड बी प्रिपेयर फॉर द ऑनसेट ऑफ मैं अपनी मैंस्ट्रल साइकिल का रिकॉर्ड रखें कि जैसे बोला था ट्वेंटी टू थर्टी डेज में होता है तो ये uh, अपनी गर्ल्स रखना चाहिए इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड एंड बिफोर द ऑन सेट बिफोर द बिगनिंग ऑफ हर साइकिल बिफोर द बिगिनिंग ऑफ मैंट्रेशन शी शुड बी प्रिपेयर विद द थिंग्स शी नीड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैं

चार से पांच घंटे में जैसे फाइव आवर्स हो जाते हैं उसे अपना ये जो उसने जो भी यूज करा हुआ है पैड वो चेंज करना चाहिए आफ्टर द दिस टाइम ओके देन द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एक्सरसाइज वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी ओके फिजिकल एक्सरसाइज आपको पता है क्या क्या इंक्लूड करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज में गेम्स जो आप खेलते हो एक्सरसाइजेस जो आप करते हो वॉकिंग जॉगिंग ये सब कुछ आ जाती है फिजिकल एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है फिजिकल एक्सरसाइज आप खेल रहे हो आप वॉक कर रहे हो फ्रेश एयर में ब्रीथ लेना ब्रीथ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स सारे ही यंग बॉयज़ को यंग के एडल्ट को भी वॉक लेने चाहिए टाइम टू टाइम और एक्सरसाइज uh, करनी चाहिए एंड द यंग बॉयज़ और गर्ल्स शुड प्ले आउटडोर गेम्स रादर देन प्लेइंग इंडोर गेम्स सिटिंग एट होम एंड प्लेइंग इंडोर गेम्स लाइक लूडो एंड चेस दे यूज टू प्ले सच गेम्स बींग इंडोर बट बेटर टू प्ले आउटडोर गेम्स ताकि जिससे आपकी बॉडी फिट रहे सो नेक्स्ट हेर इज रिटन मिथ्स एंड टाबूस डों आपको खुद से आप रीड करोगे सिंपल रीड ही करना है इसमें ओके सो नेक्स्ट हेयर वी हैव से नो टू ड्रग्स एडोलेशंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमारी बॉडी में काफी ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं जैसे आपकी बॉडी ग्रो हो रही होती है काफी ज्यादा हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में तो ग्रोइंग अप के लिए नॉर्मल माइंड की डेवलपमेंट हो रहा है आपका फिजिकल जो बॉडी है उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो ओवरऑल काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं इस एडोलेसेंस के टाइम पीरियड में आपकी बॉडी में सो डो नॉट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर इफ एनी बडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ यू टेक सम ड्रग्स जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर सो so, इस टाइम पे पर ऑब्वियसली बात है बॉडी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहती है कन्फ्यूज रहती है समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है काफ़ी केमिकल चेंजेस काफ़ी हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बट एट दिस टाइम ये नॉर्मल पार्ट है सबके साथ होता है सबकी लाइफ में फेस आता है बी ऑफ एडोलेसेंस सो इस टाइम पे आपको कन्फ्यूज या इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए एंड इफ कोई भी आपको सजेस्ट करता है टू टेक द ड्रग्स यू शुड से नो अगर कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो बात अलग है बिकॉज डॉक्टर तब प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन जो होती हैं डॉक्टर वो प्रेस्क्राइब करते हैं जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा तो उस केस में लिमिटेड क्वान्टिटी वो खुद बताते हैं बट इफ़ समन सेज टू टेक इट अननेसेसरली दैट यू विल फील गुड सो जस्ट से नो टू इट बिकॉज दीज ड्रग्स आर वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ ड्रग्स आर अडिक्टिव अडिक्टिव मतलब आदत लगा देते हैं दीज आर वेरी हार्मुल इफ यू टेक दैम वंस यू विल फील आई टेकिंग दैम अगेन एंड अगेन अगर आप एक बार लोगे तो आपको लगेगा कि हम इसको बार बार कंज्यूम करें दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन दे रोन हेल्थ एंड हैप्पीनेस तो ऐसा तो आपको लगता है कि बार बार लें बट क्या होता है कि आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है ये लेकर के आपकी बॉडी कंप्लीटली एक टाइम पर ऐसा आ जाता है कि आपकी बॉडी कंप्लीटली डैमेज हो जाती है आपकी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है मेनली आपके ब्रेन पर असर पड़ता है आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है आपकी हैप्पीनेस रुईन हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं सो यू शुड नॉट टेक इट एट ऑल यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द एड्स विच इज कॉस्ड बाय द डेंजरस वायरस एच आई वी आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है और ये कौन से वायरस से होता है ये वायरस होता है एच आई वी नाम है इसका इस वायरस से होता है इस ये वायरस क्या कर करता है दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सीरेंजेस यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स जो सीरेंजेस यूज करते हैं लोग टू इंजेक्ट द ड्रग इन हिज और हर बॉडी उस केस में ये वायरस हो सकता है उस हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में वो सरेंज यूज़ करी गई हो और वापस से सेम सरेंज सेम इंजेक्शन आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा हो तो ऐसा करते से कॉन्टैक्ट हो सकता है उस वायरस का कि आपकी बॉडी में वो वायरस आ जाए काफी ज़्यादा हार्मफुल रहता है इसलिए अगेन आई एम सेइंग वी शुड से नो टू ड्रग्स इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड ये जो एचआईवी वायरस है दिस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट इन्फेंट को भी हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर थ्रू मिल्क इन्फेंट को किस तरीके से हो सकता है इफ द मदर हु गिविंग Milk to her uh, feeding with milk to her or her, uh, to her baby, then at that time, her milk can also transmit this virus to the infant's body. The virus can also be transmitted through the sexual contact with a person infected with HIV. So, this virus can also be transmitted if the person is having sexual contact with his or her partner. At that time, also, HIV virus can be.

इस एज के पहले जो गर्ल होती है और जो लेडी होती है वेमेन होती है वो प्रिपेयर नहीं होती मेंटली भी एंड फिजिकली भी वो प्रिपेयर नहीं होती फॉर द मदरहुड टू बिकम अ मदर इसलिए अर्ली मैरिज बिल्कुल मना है अर्ली मैरिज के लिए यहाँ पे लॉ बने हुए हैं एंड इफ ऐसा देखा जाता है कि अर्ली मैरिज होती है तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है इन दैट केस बिकॉज अर्ली मैरिज एंड मदरहुड की वजह से क्या होता है मदरहुड मीन्स uh, जब मामा बन जाती हैं तो उसको बोलते हैं और द लेडी गेट्स प्रेगनेंट उसको बोलते हैं दैट मदरहुड तो इट कैन कॉस हेल्थ प्रॉब्लम्स टू द मदर काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स से सफ़र करना पड़ता है मदर को एंड चाइल्ड को टू विच द मदर इज़ गिविंग बर्थ इसलिए अप्रोप्रिएट एज एक फिक्स कर दी गई है एटीन ईयर्स गर्ल्स के लिए एंड ट्वेंटी वन ईयर्स बॉयज़ के लिए अंड उसके पहले अगर ऐसा होता है बिफोर एटीन ईयर्स गर्ल्स में और ट्वेंटी वन ईयर्स बॉयज़ में अगर मैरिज करवा दी जाती है तो उस वमेन को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है मेनली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब जो जॉब्स वगैरह वो करती हैं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है एंड मेंटल मैंटल ही मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग या टेंशन हाइपर टेंशन इन सब चीज़ों से वो गुजरती हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर बींग मदर सो ये जो एज है इसलिए ही फिक्स करी गई है फाइन सो नेक्स्ट इज वॉट यू हैव लर्न दिस यू हैव टू रीड ऑल द पॉइंट्स यू हैव टू रीड बाई होल सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर टिल दिस पोर्शन ओनली एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल गो विद द एक्सरसाइजेस थैंक यू दैट्स इट फॉर टुडे टिल देन यू हैव टू रीड द होल चैप्टर